गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य का कैसा संबंध होता है वो इस लेसन में हम देखेंगे। तो उसके लेखक का नाम है आनंद शंकर माधवन। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्लीवलैंड जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े। मतलब कौन लेखक आप मतलब भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ का स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी के स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। कौन एटले मतलब लेखक आप मतलब कि आनंद शंकर। मलयालम तथा तमिल दोनों की भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हो रहे अनलशला का हिंदी आंदोलन आमंत्रित मेहमान आरती उषा संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी के प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा के गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग क्रिया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत को बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था व परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए व्यक्त किया है। मतलब लेखक माधवन जी कहते हैं कि पहले के ज़माने में शिक्षा को क्या ले शिक्षा बहुत एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। एक जैसे भगवान को प्रार्थना करते वैसे ही वो विद्या है। आज ऐसा है नहीं है। आज तो शिक्षा क्या हो गया एक व्यापार हो गया है। अब सब शिक्षा को चलो वो स्कूल में जाओ तो अच्छा पढ़ाएगा वो स्कूल में जाओगे तो पहले ऐसा नहीं था। पहले तो पेड़ के नीचे बैठ के ऐसे पढ़ते थे और वहाँ आश्रम में छोड़ाते थे तो कितने जब पढ़ाई पूरी होता वो कर जाते थे ऐसा सब था। लेकिन अब तो क्या अब तो व्यावसायिक हो गया है कि चलो वहाँ स्कूल अच्छी है तो वहाँ जाओ वहाँ सब ऐसा ही। तो अब आज देखें हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। व्यावसायिक संस्कृति का इसी कारण गुरु शिष्य में संबंधों में परिवर्तन आए। आज गुरु और शिष्य में परिवर्तन आ गए। गुरु बैठा उसके बाजू में भी शिष्य बैठा देते। पहले ऐसा नहीं था। गुरु जी बैठे हो तो शिष्य खड़ा ही रहता लेकिन आज ऐसा दिखाई देता है आज तो बाजू में आके बैठते। मतलब कि अभी गुरु और शिष्य का मान भी नहीं है। पहले विद्यालय मंदिर के सामने मंदिर के समान माने जाते थे। पहले विद्यालय हो तो उसे मंदिर के समान माने जाते हैं। आज तो ऐसा लगता है नहीं। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। पहले तो पैसे देकर खरीदी नहीं जाती थी। क्या गुरु शिक्षा मांगते थे पता है कि कुछ मांगना को तू ऐसा कुछ ऐसा मांगते थे पैसा नहीं मांगते। आज तो क्या पैसे देकर शिक्षा खरीदी जाती है। चलो हमें पास होना है तो उसे इतने पैसे दे दो तो पास हो जाएंगे अपने लिए। आज
पैसे देकर खरीदा जाती है। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। शिक्षण कार्य क्या है? अब पेट पालने का मतलब बस पढ़ना है, कुछ अच्छा कमा और हमें ऐसे अच्छे पैसे मिले, बस वही है। और स्कूल वाले भी क्या इतनी फी लेंगे, इतने लिए सबको पैसे कमाने का एक साधन मिल गया है। तो पहले जिस भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह अब भारतीय मानसिक स्थिति क्रियाशील नहीं है। आज इस प्रकार अव्यवस्थित वैश्विक संस्कृति का व्याप्त है जिनकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते हैं, न शिष्य को ही शुक्ल देना पड़ता है। पैसे देकर विद्या खरीदने की वक्त क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी में उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान है। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता है। शिष्य पुत्र के अधिक प्रिय होते हैं, मतलब शिष्य भी ऐसे काम करते हैं तो शिष्य गुरु के अधिक प्रिय होते हैं। अच्छे अच्छे काम करें, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम पैसे, अभी तो एक दूसरे के क्या होता है, शिष्य गुरु को गालियाँ भी निकालता है कि चलो बाहर आओ तुमको देख लेंगे, ऐसा होता है। ले ऐसा गुरु का भी मान नहीं रहा। वहाँ यहाँ सम्मान मिलता ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान किया जाता था। शिक्षा पहले भी गुरु क्या शिक्षा दान देता, उस वो भी पैसे लेते नहीं थे। क्रिया उसका आध्यात्मिक अनुष्ठान था, परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का ही जरिया बन गया है। आज तो ऐसा होता है ना कि चलो फ्री में शिक्षा दे, कोई भी ऐसा देता नहीं है। अब तो ट्यूशन भी निकले हैं, क्लासेस भी, उसमें भी ज़्यादा पैसे हो गए, आपको पता है ना। तब एक शिक्षा तो क्या हो जाए, एक व्यवसाय हो गया है, अपने घर पालने का, अपना भरण पोषण करने का साधन हो गया है। प्रारंभ में विवेकानंद के भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मलाए लेकर स्वागत करने के लिए। के विवेकानंद भी बहुत बड़े शिष्य थे, गुरु थे, लेकिन उसको ने भारत में किसी ने मान दिया नहीं। जब वो उन्होंने अमेरिका का नाम कमाया तो फिर भारतवासी दौड़े और उसे मलाए लेकर स्वागत करने लगे, मतलब उसके सामने ले उसे उसका स्वागत करने लगे। रविंद्रनाथ टैगोर को भी नोबल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़ यह राग अलापते हुए अमादेर ठाकुर कठोर सपुत्र दक्षिण भारत के कुछ समय पहले तक भारतीय नाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था। पर जब उन्हें विदेश में स्थान मिला ना मान मिलने लगा तो आश्चर्य भारतवासी सोचने लगे कि हमारी संस्कृत में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या यहाँ के लोग अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराए के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। हमारे देश वाले क्या होते हैं कि दूसरे देश में जो अच्छा है वो अच्छा लगे, जो हमारे देश में होता है वो किसी को दिखाई देता नहीं। तो क्या हुआ, ये दक्षिण भारत में कुछ समय रहके आए ना तो उसको भी कथकली भारतनाट्यम को अवार्ड मिला वहाँ बाहर से, तो बाहर वाले देशों से। तब वो उसे भारत वाले भी उसे सम्मान करने लगे। पहले तो क्या हमारे भारतवासी उसे पहचान नहीं सकते कि इसमें इतनी अच्छी सौंदर्य कथकली भारतनाट्यम है, वो किसी को पता नहीं चलता। जिस दिन में ज्ञान पाने के लिए मैं मूलर
ने जीवन भर प्रार्थना की उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा अच्छा हो बड़ा तो वो क्या बोलते कि यहाँ मेरा मान नहीं होगा, वो तो बोलाते कि विलायत बाहर जाए, बाहर वाले दो लोग बाहर वाले बाहर देशों में कैसा हमें स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। ऐसे लोग प्राचीन गुरु शिष्य संबंध ही महिमा सुनना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। अच्छे यहाँ अच्छी तरह लिख के पढ़ लिख के कहाँ क्या वह विलायत चले जाते हैं, पता है ना, बाहर वाले देशों में। तो हमारे यहाँ के गुरु जो सिखा है वो क्या गधे के बराबर होता है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान घमा मुंबई आया। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होने की एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकता वश अनेक निकट पहुंचकर उसने पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हो? ले कोई भी विश्व में तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल वो शिक्षा क्रम में रंगे हुए थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों में हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते हुए ही रह गया। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद उससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई मेरा खून है। तो हम ठीक है, चलो हम चैप्टर पेज नंबर 69 है, मैं थोड़े शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। पहले विद्यालय मंदिर के सामान था। प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के सामान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। विद्या पैसे देकर खरीदी और पैसे लेकर बेची जाती थी। शिक्षा देना परमेश्वर को पाने का एक माध्यम होता है। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई है? आज यूरोप के प्रभाव के शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है। शिक्षक वेतन भोगी हो गया है और शिष्यों को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। आज शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। भारतीयों का स्वभाव भी, भारत लोग के लोग अपने ही यहाँ की मूल्यवान चीज़ों का मूल्य तभी समझ में आता है जब वो विदेश में उनकी कदर की जाती है। भारत के विवेकानंद का स्वागत तभी हुआ जब अमेरिका में उन्होंने नाम कमा लिया। नोबेल पुरस्कार मिलने पर ही वो बंगाली लोग रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सम्मान करने लगे। भरतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्य विदेशों में लोकप्रिय होने के बाद ही वहाँ लोकप्रिय हुए। आज भारत में अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जाना स्वर्ग जैसा जाने जैसा लगता है। वे यह नहीं जानते कि जर्मनी का विद्वान मैक्स मूलर भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करता है। जर्मनी का जो विद्वान मूलर है वो क्या बोलते, मैं एक बार में भारत में जाऊँ और क्या। पत्रकार गामा पहलवान का उत्तर क्या, सुप्रसिद्ध पहलवान गामा मुंबई आकर दुनिया के सारे पहलवानों को उसने कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा। एक पत्रकार ने गामा से कहा, दुनिया से पहलवानों को ललकारने से पहले आप अपने अमुक शिष्य को लड़कर जीतकर दिखाइए। गामा ने उस पत्रकार को उत्तर दिया कि जिसकी बात कर रहे वो वह मेरा शिष्य है, मुझे वह मेरे बेटे से भी प्रिय है, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं लड़ा या वह लड़ा दोनों बराबर ही है। मैं चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा नाम कमाए, मुझे लगता है कि वो आप हिंदुस्तानी नहीं है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसका आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।